नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह, आप देख रहे हैं जीएस न्यूज को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार में आरएलएसपी से मिलकर लड़ेगी बसपा। आपको बता दें इसको बनाया उम्मीदवार सीएम पद का। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा घोषणा कर दी है बिहार के लिए। साथ ही आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी आरएलएसपी के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कुछ छोटे घटक दल भी बहुजन समाज पार्टी और आरएलएसपी के साथ हैं जो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान कर दिया कि बिहार में जो गठबंधन हुआ है वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं सर्व समाज का हुआ है। बिहार की जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी बल्कि गठबंधन को ही वोट देगी। जिसके गठबंधन के नेतृत्वकर्ता आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा आपको बता दें पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार में। उन्हीं को बिहार का नेतृत्वकर्ता बसपा सुप्रीमो मायावती ने बनाया है। आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा यह गठबंधन एक सामाजिक गठबंधन है, यह राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक गठजोड़ का गठबंधन है। यह बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही। साथ ही आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ऐलान कर दिया कि बिहार में अगर इस गठबंधन को बिहार की जनता जनादेश देती है तो बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार आपको बता दो उपेंद्र कुशवाहा होंगे। जो आरएलएसपी के प्रमुख हैं उनके साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है। इसकी आधिकारिक ऐलान तो बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम एवं तमाम लोगों ने कर ही दिए। आपको बता दें ये बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा यह जमीनी स्तर का गठबंधन है, जमीन पर काम करेगा और सामाजिक स्तर से सामाजिक गठजोड़ का कार्य करेगा। किसी की बिहार की जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी बल्कि इस गठबंधन को वोट जरूर देगी। अब देखने की बात यह होगी गठबंधन कितनी सफलता प्राप्त होती है कितनी नहीं होती है, यह तो चुनाव में ही पता चलेगा। तो मिले किसी नई वीडियो अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए जीएस न्यूज के साथ।